अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहानाराज किचन। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके साथ संदेश की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप इसे आने वाले दीपावली पर ज़रूर बना कर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। बिना मावा के हम इसे सिर्फ 10 मिनट के अंदर कुछ चीज़ों से ही बनाने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार का बर्फ़ी बनकर तैयार होता है और आप अपने मेहमानों को इसे बनाकर भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली टू ऑल माय लवली व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में भी याद रखें। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं दीपावली के लिए संदेश की रेसिपी। संदेश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर के करीब दूध लिया है, वो भी फुल फैट मिल्क है, और इसे मैंने स्टोव के हाई फ्लेम पर रखा हुआ है। जब दूध अच्छी तरह से खौलने लगेगा, हम इसे फटाकर इसका छेना निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो है दूध अच्छी तरह से खौलने लगा है। मैं यहाँ पर 4 चम्मच के करीब विनेगर ली हूँ, वाइट सिरका। अगर आपको दूध से कोई मिठाई बनानी है, उसे फाड़ना है, तो आप यहाँ पर विनेगर के ही इस्तेमाल करें। इससे क्या है ना, दूध अच्छी तरह से फट भी जाता है और साथ ही इसका स्मेल भी नहीं रहता है दूध में। अगर हम नींबू से इसे फाड़ते हैं तो नींबू का जो है स्मेल वो रह जाता है दूध में, तो मिठाई में खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, विनेगर डालते ही छेना और पानी अलग हो चुका है। अब मैं स्टोव को ऑफ़ कर लेती हूँ। इसे मैं इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसे एक छलनी से छान लूँगी। तो देखिए, अब मैं छलनी से इसे छान लेती हूँ। इस तरह से छेना छानने के बाद हमें इसके ऊपर 1 से 2 ग्लास के करीब पानी डालना है, ताकि हमारा छेना जो है, जो भी विनेगर का खट्टापन जो है, खट्टा टेस्ट, वो निकल जाए। तो देखिए, मैं यहाँ पर 1 ग्लास के करीब पानी डाल लेती हूँ। इस तरह से नॉर्मल वाटर आपको डालना है और इस तरह से हाथ से छेने को प्रेस करते हुए सारा पानी हमें स्क्वीज़ कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से आपको दबाना है और सारा पानी जो है हमें इसका अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लेना है। आप चाहें तो कॉटन कपड़े से इसे लपेट कर भी स्क्वीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से छलनी से स्क्वीज़ कर लेती हूँ। अब हमारा छेना बिल्कुल तैयार है। तो चलिए, अब हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर मैंने पैन रखा हुआ है और अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ 2 चम्मच के करीब देसी घी। घी के जैसे ही मेल्ट होने लगेगा, हमें घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा मैं यहाँ पर छेने को शामिल कर लूँगी। छेने को हम अच्छी तरह से घी में मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। छेने को हमें ज़्यादा देर के लिए छलनी पर नहीं रखना है, जैसे ही हमें उसका स्क्वीज़ कर लेना है पानी, हमें फ़ौरन ही नेक्स्ट स्टेप पर यानी प्रोसेस चालू कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है ना, मैं घी में अच्छी तरह से छेने को मिला लेती हूँ पहले। अब मैं यहाँ पर 50 ग्राम के करीब चीनी डाल लेती हूँ और चीनी को हम अच्छी तरह से छेने में मिक्स करेंगे। इसी दौरान हमें यहाँ पर 1/2 कप के करीब दूध भी डाल लेना है। दूध डालते ही यहाँ पर क्या है ना, छेने का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ 1 कप के करीब मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं 1/2 कप के करीब डालूँगी और इसे मैं अच्छी तरह से पहले मिक्स करूँगी, मिलाऊँगी, उसके बाद मैं फिर 1/2 कप डालूँगी। तो देखिए, इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पर छेने से संदेश बना रही हूँ और छेना बनाने के बाद हमें क्या है ना, फ़ौरन ही उसका पानी स्क्वीज़ करना है और नेक्स्ट स्टेप पर काम करना शुरू कर देना है। अगर हम उसे छलनी पर ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो हार्ड हो जाएगा। तो देखिए, मैंने और 1/2 कप यहाँ पर डाल लिया है मिल्क पाउडर। फिर से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। संदेश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मावा का इस्तेमाल नहीं किया है, मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, जिससे क्या है ना, मिल्क पाउडर मावे का ही काम करने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। इसी दौरान यहाँ पर मैं 2 छोटी इलायची को कूट कर डाल लेती हूँ। आप चाहें तो इसका पाउडर करके भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ केवड़ा वाटर। सिर्फ हम 2 बूंद के करीब ही डालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर केवड़ा फ्लेवर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर गुलाब जल भी डाल सकते हैं, वो भी हमें ज़्यादा नहीं डालना होता है, सिर्फ 2 बूंद के करीब ही हम डालेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 बूंद के करीब ही डाला है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसी के साथ मैं कुछ यहाँ पर ड्राई नट्स भी बारीक काट कर डाल लेती हूँ। काजू और बादाम है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अब हमें इसे पकाना है 6 से 7 मिनट के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर, यानी जब तक ये जो मिक्सचर है एक बाइंडिंग फॉर्म पर ना आ जाए, पैन को छोड़ने ना लगे, हमें इसे इसी तरह से चम्मच चलाते हुए पका लेना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा संदेश का मिक्सचर जो है बिल्कुल तैयार है, पैन को छोड़ने लगा है। अब मैं स्टोव को ऑफ़ कर लेती हूँ और इसे जमाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लिया है केकटिन। केकटिन में मैं थोड़ा सा घी डालूँगी, उसे मैं अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। उसके बाद हमें फ़ौरन ही इस मिक्सचर को डाल लेना है उस टिन के अंदर। अब मैंने स्टोव ऑफ़ कर लिया है, तो देखिए इस तरह से अब मैं टिन को ग्रीस कर लेती हूँ। देसी घी ही मैंने डाला है। तो चलिए अब मैं इस टिन के अंदर सभी मिक्सचर को डाल दूंगी, हमने जो संदेश का बना कर रखा है मिक्सचर। और चम्मच से हमें अच्छी तरह से इसे प्रेस करके एक समान कर लेना है इस तरह से। तो देखिए हल्का हल्का सा प्रेस करके आपको एक समान कर लेना है। और इस वक्त क्या है ना, हल्का सा गर्म है, इसी दौरान मैं इसे हल्का सा स्लाइटली कट कर लूँगी। इस तरह से अगर हम कट कर लेते हैं तो ठंडा होने के बाद यानी जमने के बाद ये आसानी से निकल जाएगा। अब मैं इसके ऊपर बादाम, जिसे मैंने दो टुकड़ों में कट कर लिया है, इस तरह से रख लेती हूँ ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे और बादाम का शेप भी एक दीप की तरह है, तो मैंने इसे रख लिया है। पहले मैं इसे रूम टेम्परेचर पर रखूँगी, नॉर्मल ठंडा होने के बाद मैं इसे फ्रीज में एक घंटे के लिए रख लूँगी। उसके बाद हमारा संदेश बनकर तैयार हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा संदेश अब बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। रूम टेम्परेचर पर मैंने इसे रखा, ठंडा होने के बाद एक घंटे के लिए मैंने इसे फ्रीज पर स्टोर कर लिया था। अब मैं इसे हल्का हल्का सा फिर से कट कर लूँगी ताकि हमारा संदेश आसानी से निकल जाए। बहुत ही मज़ेदार का छेना संदेश बनकर तैयार होता है। आप अपने घर पर एक बार ज़रूर बना कर देखिए। इस दीपावली में तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही कम टाइम में हम इतनी मज़ेदार संदेश यानी बर्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स, कितना दानेदार बना है, कितना सॉफ्ट बना है। आपको यकीन ही नहीं होगा आपने इसे बनाया, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर बिना मावा के। आने वाली दीपावली पर आप इसे ज़रूर बनाएं और इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, उन लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली टू ऑल माई लवली व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आप सब खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में भी याद रखें। तो चलिए, आज की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज की संदेश की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।